गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आरजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स। और आज भाई मैं आ गया हूँ एवरेस्ट टेस्ट करने अपने टीवीएस राइडर 2022 का, और ये मेरा एंडिंग का मॉडल है। तो आज मैं जो इसका एवरेस्ट टेस्ट करके आपको जो है वो दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो आज देखिए मेरी गाड़ी चली है भैया 717 किलोमीटर, 717 किलोमीटर चली है। रेंज अभी इसमें जो है वो 54 किलोमीटर की दिखा रहा है, और इसमें तेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टंकी खोल के इसका सारा तेल निकालने वाले हैं, और हम खड़े हैं भैया पेट्रोल पंप के सामने, और इसमें जो है हम अपना 1 लीटर तेल इसमें डाल के फिर हम देखेंगे। और ये हम जो है वो हाईवे पे टेस्ट कर रहे हैं, सिटी में टेस्ट करके मैं एक और दूसरी वीडियो सिटी में टेस्ट करके आपके लिए लाने वाला हूँ। तो वो वीडियो इसके बाद आएगी। इस बार तो जो हाईवे पे इसका टेस्ट ओरिजिनल जेन्युइन जो इसका माइलेज आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और हम निकालते हैं इसका पहले तो तेल, उसके बाद डालते हैं 1 लीटर और कुछ साथ में ले लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, राइडर पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी आना बाकी है, और मेरी फर्स्ट सर्विस की वीडियो भी अभी आएगी। तो भाई अभी हम जो है वो ट्रिप वगैरह जो है वो जीरो कर देते हैं। ये एवरेज अभी 47 का दिखा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में आया हूँ अभी। और ट्रिप भी जो है हम अभी कर देते हैं जीरो, रीसेट कर देते हैं इसको। ट्रिप भी जो है मैंने जीरो कर दी है। अब आपको जो है मैं किलोमीटर चला के दिखा दूंगा, और मैं इसमें जो है वो पावर मोड में नहीं, मैं इको मोड में इसका जो है वो एवरेज निकाल के आपको दिखाऊंगा। कि धूप वाला मौसम आ चुका है, पाइप इसमें डालते हैं, तेल निकालते हैं, उसके बाद अपना टेस्ट चालू करते हैं। गाइस पाइप लग चुकी है, अभी इसमें डालते हैं 2 लीटर वाली बोतल हम भर लेंगे, उसके बाद हम पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं तो 1 लीटर पेट्रोल जो है हम इसमें डाला लेंगे, उसके बाद एवरेज टेस्ट करेंगे। चलिए इसमें निकालते हैं पेट्रोल। मेरे से तो नहीं निकला, बड़े भाई जो इसमें निकाल रहे हैं। अब ये बबल्स आ रहे हैं इसमें, मेरे को लगता है हो गया, 1 ही लीटर इसमें से निकलेगा। और ये खत्म, शिट, फिर से मेहनत। भाई अपनी गाड़ी से निकला इतना पेट्रोल, यानी कि 2 लीटर के लगभग जो है वो पेट्रोल इसमें जो है वो निकल गया है। और भाई सारा इसमें जो है वो खत्म हो चुका है पेट्रोल, और गाड़ी जो है वो मिसिंग मारना चालू कर दी है। पेट्रोल पंप से 1 लीटर पेट्रोल अभी भराते हैं, और आपको जो है वो सारा टेस्ट वगैरह सारा कुछ करके दिखाते हैं। एक बार मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो नहीं हो रही चालू। अब ये फ्यूल इंजेक्ट वाली बाइक है तो इसको ज़्यादा हम परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो फालतू में कोई काम आ जाएगा। तो आपके लिए वो भी करवा लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब इसको करते हैं माइलेज टेस्ट शुरू। तो गाइस गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका था, आपने देखा था, ये देखो अभी धक्का मार के लेके जा रहे हो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे को बोला धक्का मार, मैं क्यों मारूं भाई धक्का, टेस्ट को करना है, मैं क्यों मारूं। इतनी देर तो इसने चश्मा लगाया नहीं, अभी ये चश्मा लगाएगा, देखो सेट बन रहा है। हाँ है चिल्लर, देख लो भाई 1 लीटर भरवा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हैं 1 लीटर पूरा आ चुका है। चलो ठीक है भाई का एक बार नाम, भाई क्या नाम है? मेरा नाम रुकी है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो गाड़ी देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, 1 लीटर पूरा पेट्रोल आ चुका है। अभी हम चलते हैं, आपको ये पूरा जर्नी टाइमलेस में दिखाएंगे। तो भाई ये देखो अभी इसमें जो है वो कोई भी आया नहीं है, अभी 1 लीटर आपके सामने डलवाया था हमने, और स्टार्ट कर देते हैं ट्रिप जो है वो जीरो हो चुके है, इको मोड में। चलो भाई चलते हैं। भाई
अपनी गाड़ी ने जो है वो फर्स्ट 10 किलोमीटर जो है वो डन कर लिए हैं। अभी तक कोई भी मिसिंग प्रॉब्लम वगैरह नहीं लगी है। 10 किलोमीटर में तो क्या ही लगेगी। और हाँ, मैं ये सोच रहा था कि भैया कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भैया आप फ्यूल इंजेक्ट वाली गाड़ी है, आप टैंक टू टैंक कर लेते हैं ऐसा वैसा, तो मैं वो भी कर सकता था। लेकिन जो परफेक्ट एवरेज जो निकलता है ना भाई, 1 लीटर में ही निकलता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा भाई, थार में, स्विफ्ट में, भाई लोगों ने मर्सिडीज ऑडी में भी 1 लीटर डाल के जो है वो टेस्ट किया है। तो भाई ये तो बाइक है। और मेरे भाई राइडर वीर जी जो हमारे राजस्थान के भाई, उन्होंने भी 1 लीटर डाल के ही किया था, तो उनको भी जो है वो जेन्युइन जो एवरेज मिला था। तो आज मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। तो भाई आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जेन्युइन वाला जो रिव्यू है मैं आपको वो दे दूंगा। चलिए अब आप टाइमलेस एंजॉय कीजिए थोड़े से नेचर वगैरह के। और हमारे 10 किलोमीटर पे आ गया है भैया चांपा गाँव। हमारी गाड़ी कर चुकी है अभी 20 किलोमीटर की अचीवमेंट पूरी, और अभी तक कोई भी मिसिंग वगैरह नहीं हुई है। और हमने बस स्टॉप पे हमने सोचा कि भैया 20 किलोमीटर हो चुका है, 10 किलोमीटर भी है, ऐसे में आपको जो हर 10 किलोमीटर पे अपडेट देते रहूंगा। अब देखते हैं कितना चलती है, चलने देते हैं। और बढ़िया चल रही है अभी तक तो। हम जो है वो 70-80 की स्पीड जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं। 75 जो आप मान के चल सकते हैं, 75 भी जो है बाइक के लिए बहुत होता है भाई। ड्राइव सेफ ना, 100 भी चला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस दिन टैंक टू टैंक करूंगा उस दिन 100 चलाऊंगा। आज जो है वो 70-80 वाली वीडियो देख लो, और वीडियो का जो है वो एकदम से लाइक जरूर से कर देना भाई। मिलता हूँ आपको 30 किलोमीटर पे। टिल देन टेक केयर और वेक ऑफ 30 किलोमीटर। फाइनली हमने जो है वो 30 किलोमीटर अपने जो है वो पूरे कर लिए हैं, और अब हम इसको यहाँ स्टॉप करके कुछ आपको बात बता देते हैं। फाइनली गाइस 30 किलोमीटर जो है वो हमारे पूरे हो चुके हैं, और हम अब लेने वाले हैं, भैया उमरेड आ चुका है, तो अब हम लेने वाले हैं यहाँ से यूटर्न। प्रोबेबली हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो नाश्ता वगैरह कर लेंगे, और उसके बाद हम यूटर्न ले लेंगे। मेरे हिसाब से भाई गाड़ी जो है वो 50+ माइलेज निकाल देगी। क्यों भाई? बिल्कुल 50+ माइलेज निकाल देगी, हो सकता है उससे ज्यादा भी निकाल दे, और हो सकता है भाई 40 का भी माइलेज निकाल दे। तो सब प्रोबेबली आप वीडियो में बने रहो, आपको जो है वो भाई, अब देखो भाई आप आगे करके भी इसको देख लोगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। हमको तो भाई जो लगता है वही हम जो है आपको दिखाते हैं, और आप देख लो अभी तक कोई भी मिसिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। अब चलते हैं, आपको मिलते हैं इसमें 40 किलोमीटर पे। किलोमीटर हो चुकी है, आप देख सकते हो बिना किसी मिसिंग वगैरह के। तो भाई 40 तो माइलेज दे दिया, मेरे को लगता है 50+ ये माइलेज जो है वो दे देगी। चलो आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, और अब 50 किलोमीटर में आपको मिलता हूं।
भाई 50 किलोमीटर पूरे होते हुए फिर से हमें एक बस स्टॉप मिल गया है वीडियो बनाने के लिए। और भाई ये 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी के जो है वो पूरे होते हुए अभी तक भाई कोई भी अभी तक जो है वो रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक गाड़ी ने जो है वो बिल्कुल भी मिसिंग वाली नहीं दी है। क्यों भाई? कोई भी ऐसा लगा ही नहीं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एकदम स्मूथली चल रही है। अभी तक कोई भी मिसिंग नहीं हुई है। अब देखते हैं कितना माइलेज देती है। मेरे ख्याल से 60 तो दे देगी यार। चली जाएगी शायद से। चलो चलो जहाँ तक जाती है बंद हो गई है। पचपन का एवरेज क्लेम किया है। हाँ गाड़ी ने जो है जेन्युइनली 55 का एवरेज क्लेम किया है। चालू करो। नहीं हो रही है भाई गाड़ी जो है वो चालू नहीं हो रही है। और क्लच दबाया। नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। 55 का माइलेज इसका जो है वो हाईवे पे भाई ग्राइडर ने अपने 55 का माइलेज दिया है जो कि भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो 80 की स्पीड जो इसको रखी है, अगर और स्पीड कम रखते तो और माइलेज जो इसका बढ़ता। लेकिन यार 55 का माइलेज तो यार बाकी लोगों की वीडियो देखने के बाद तो भाई 55 का माइलेज जो है वो कम ही है। तो यार गलत है ये थोड़ा सा। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट सर्विस मैंने नहीं कराई है उस वजह से ये माइलेज इतना दे रही है। इसकी सर्विस कराने के बाद और एक बात जो है वो मैं इसका माइलेज टेस्ट करूंगा। बिना सर्विस के आप देख सकते हो इस मतलब जो फर्स्ट सर्विस होती है भैया 700 किलोमीटर पे, तो 700-800 किलोमीटर पे उसके मैंने करवाई नहीं है। उस करवाने के पहले जो इसका माइलेज है वही 56 का है। रेंज अभी नहीं दिखा रही क्योंकि पेट्रोल नहीं है। और एवरेज इसका जो इसमें 51 दिखाया है, यानी ये जितना दिखाती है उसके लगभग ही ये देती है। अभी मैं इतना जो है वो समझ सकते क्यों भाई 56 का इसने माइलेज दिया है। 56 का माइलेज हम बोल सकते हैं इसने दिया है। और भाई ठीक है, ज़्यादा तो नहीं इससे अभी। जैसे जैसे गाड़ी जो है वो सर्विस वगैरह होती जाएगी, इंजन रिफाइन होते जाएगा और माइलेज थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। तो प्रोबेबली अब जो है सर्विस कराने के बाद ही हम इसका माइलेज वगैरह जो है वो देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसी राइडर के ऊपर बहुत सारी वीडियो आने वाली है और मैं जो है वो मोटर ब्लॉगिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। राइडर को लेके हम जाएंगे भैया राजस्थान, राजस्थान का ट्रिप करने वाले हैं। तो भाई चैनल को जो है वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे 5K सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं जो है वो राजस्थान का ट्रिप जरूर से लेके आऊँगा अपने राइडर के ऊपर। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो को 1000 लाइक जरूर कर देना। 1000 लाइक या तो क्या 500 लाइक का हम जो इसमें एम रखते हैं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई। सिटी का माइलेज टेस्ट जो है सर्विस के बाद ही बनाऊंगा मैं। 56 का माइलेज अपनी राइडर ने दिया है। ठीक है अब इसमें डाल लेते हैं भैया पेट्रोल और हम जो है वो अब निकलते हैं घर।